गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? आई होप आप सब अपने अपने घर में बहुत अच्छे से हो। ठीक है बेटा, तो चलो आज हम लोग फिर से क्या करेंगे, थोड़ी पढ़ाई करेंगे। तो मैं आपको कुछ दिनों से साउंड्स के बारे में सिखा रही हूँ। तो मैंने लास्ट वीडियो में यू साउंड से लिखना सिखाया है, यू साउंड से डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स। तो आज हम लोग फिर से यू साउंड को रिपीट करेंगे बट न्यू वर्ड्स सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या लिखेंगे? एच यू टी, एच यू टी, हट। हट मीन्स होता है झोपड़ी। जैसे हम लोग का घर है ना, जैसे पक्के मकान को हम लोग होम बोलते हैं, हाउस बोलते हैं, वैसे ही जो घास फूस से झोपड़ी बने होते हैं उसे हम लोग इंग्लिश में हट बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे सी यू एंड टी। सी यू टी, कट। कट मीन्स कोई चीज़ को काटना। कोई चीज़ भी हम लोग कट करते हैं ना बेटा, तो उसे हम लोग काटते हैं ना, तो उसे बोलते हैं कट। ओके, और लिखेंगे एन यू टी। नट मीन्स क्या होता है? नट मीन्स जितने भी बादाम होते हैं ना, नट्स होते हैं, उसे हम लोग नट बोलते हैं। जैसे अखरोट क्या हुआ? एक नट है, है ना? तो आज हमने क्या लिखना सीखा? एच यू टी, हट। सी यू टी, कट। और एन यू टी, नट। तो आप भी, आपको भी इसी तरह से अपनी कॉपी में इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हिंदी में। हिंदी में बेटा आज हम लोग क्या लिखेंगे? मैंने आपको क्या लिखना सिखाया है? तीन अक्षर के शब्द हम लोग कुछ दिनों से लिखना सीख रहे हैं, तो हम लोग अभी तीन ही अक्षर के रिपीट करेंगे, क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं बाबा आप लोग सब। तो हम लोग को इसे जब तक अच्छी तरह से ना सीख जाए, तब तक हमें चार अक्षर के शब्द नहीं सीखना है। तो चलो आज हम लोग तीन अक्षर में क्या लिखेंगे? श, तालब्य श है बेटा। मैंने आपको लास्ट वीडियो ही बताया है कि ये तालब्य श इसको बोलते हैं। और ह, द, श, ह, द। शहद मिस क्या होता है? शहद मिस होता है जिसे आप लोग सब बोलते हो, क्या बोलते हो? शहद किसको बोलते हैं? हनी को। हनी किसको बोलते हैं? जिसे आप लोग मधु बोलते हैं, मध बोलते हो, उसे हिंदी में ऐसे शहद बोलते हैं। बहुत मीठा होता है ना शहद खाने में, तो शहद। च, ख, च, ख। चख मीन्स चखना, टेस्ट करना। ठीक है, शहद चख, चख कर बताना। तो कि शहद का जो टेस्ट होता है, स्वाद, वो कैसा होता है? मीठा होता है, कड़वा होता है, या नमकीन होता है? मुझे ज़रूर बताओगे। ठीक है, मैं सबसे पूछूंगी ऑनलाइन जब क्लास होगा ना उस सब। तो आप भी से अपनी कॉपी में से कंप्लीट करो। ठीक है, चलो मैथ्स में मैं आपको कल आफ्टर लिखना सिखा रहा हूँ। आफ्टर मीन्स आपको पता ही चल गया होगा, आफ्टर मीन्स होता है बाद में, कि उसके बाद क्या आता है। तो हम लोग चलो फिर से इसे कंटिन्यू करें। तो मैंने आपको यहाँ पे 20 तक आफ्टर लिखना बता दिया है, अब हम लोग को आगे बढ़ना है 20 के बाद, आफ्टर। ओके, तो 21 डैश 23 डैश 25 डैश 27 डैश 29 डैश। ओके, अब ठीक इसी तरह से इधर भी हम लोग लिखेंगे 31 डैश 30 से हम लोग आफ्टर करने के लिए लिख दिए हैं कॉपी में, और आप भी इसी तरह से लिखोगे। तो मैंने यहाँ पे 21 डैश दे दिया है, 31 डैश, 33 डैश, 35 डैश, 37 डैश एंड 39 डैश। ठीक है, अब हमें इसे कंप्लीट करना है। तो अब हमें जानना होगा कि 21 के बाद क्या आता है, सॉरी। तो अब हम इससे क्या होगा, मैं स्केच बदल दे रही हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैंने क्या फिल किया है, हाईलाइट हो जाएगा। तो 21 के बाद बेटा हमें क्या लिखना है? ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, यस। तो 2 2 22। ठीक है, अब 23 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे फिर? यस, 2 4 24। 25 के बाद क्या लिखेंगे?
2, 6, 26। 27 के बाद क्या लिखेंगे बेटा? 2, 8, 28। और 29 के बाद क्या लिखेंगे? यस, 3, 0, 30। अब 31 के बाद क्या लिखेंगे? चलो इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 31 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? तो 32, 32। 33 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? तो 34, 34। 34 के बाद क्या लिखेंगे? यहाँ 35 लिखा हुआ, 35 के बाद हमें क्या लिखना है? 36। आफ्टर में ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे है उसी का सीक्वेंस यहाँ पे हो, यहाँ पे कोई भी अलग भी कोई नंबर होगा, बस आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि इसके बाद हमें क्या फिल करना। आफ्टर यानी इस, ये जो जो नंबर लिखा हो या फिर जो भी अक्षर लिखा हो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फिल करना है। तो 37 के बाद हमें यहाँ क्या लिखना है ये हमें ध्यान में देना है, ठीक है? तो 37 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? 38। और 39 के बाद क्या लिखेंगे? 40। तो आज हमने आफ्टर में 21 to 40 लिखना सीखा है। और आपका होमवर्क क्या देंगे बेटा? होमवर्क में है राइट 21 to 40 काउंटिंग अपनों अपनी कॉपी में आपको लिखना है, ठीक है? इसे आप लोग कंप्लीट करोगे। जब आफ्टर ये मैंने आपको सीक्वेंस में दिया है, पर जब आप इसे अच्छी तरह से सीख जाओगे, मैं ऑनलाइन क्लास में भी इसे अच्छी तरह से सिखाऊंगी, उसके बाद में ये जो है मैंने सीक्वेंस में दिया उसे ना देकर मैं अलग अलग डिजिटल कहीं से भी बीच से आपको निकाल के लिखना सिखाऊंगी, ठीक है? तब तक बेटा अपना ख्याल रखोगे और पढ़ाई अच्छी तरह से करोगे। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। और लिसन, जो जो ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हो बेटा, वो आप लोग अपने ब्राइटलैंड ऐप में जाएंगे। ब्राइटलैंड ऐप में आपका नर्सरी का लिंक दिया हुआ है और उस लिंक से आप अपने क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, नर्सरी क्लास का क्लास अटेंड कर सकते हो। और टाइमिंग है 11:20, यानी 11:20 पर आपका एवरीडे क्लासेस होता है। तो जो बच्चों को ज्वाइन करना है वो ब्राइटलैंड ऐप में जाकर अपना लिंक लेकर क्लास अटेंड कर सकते हो। ओके बाबा, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।